क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे को कुछ हुआ है? एक काम करती हूँ, डॉक्टर के पास पहले जाती हूँ। अभी दीदी को कुछ नहीं बोलूंगी, पहले डॉक्टर से पता लगाती हूँ कि क्या हुआ है। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन। डॉक्टर डॉक्टर बैठिए, क्या हुआ आपको बोलिए। डॉक्टर देखिए ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे को कुछ हुआ है, आप चेक कीजिए ना। अच्छा अच्छा, आप घबराए मत, मैं देखती हूँ। अरे आपका तो पल्स रेट भी ठीक है, हार्ट बीट भी ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है? नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे को कुछ हुआ है, आप ठीक से चेक कीजिए। अरे आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, इसलिए आपको अंदर से फील हो रहा है कि आपको कुछ हुआ है, लेकिन आप एकदम फिट एंड फाइन हो। नहीं डॉक्टर, मेरा पैर देखिए ना, देखिए कितना सूज गया है, आप अच्छे से चेक भी नहीं कर रहे हो। अरे ये तो मच्छर ने काटा है आपको। नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ हुआ है, आप अच्छे से चेक भी नहीं कर रहे, दवाई दीजिए ना। अरे ये तो मान ही नहीं रही है, इसे कुछ नहीं हुआ है, अब इसे मैं क्या दवाई लिख के दूँ? डॉक्टर आप कहाँ खो गए, मुझे चेक कीजिए ना, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से चेक करती हूँ। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों मेरी तरफ, तो आपका नाम विभाषा ना रहे एक तेरी। ये दवाई ले लेना बाहर शॉप से। पर आपने तो बताया ही नहीं मेरे को क्या हुआ है। उफ, आपको कमजोरी एंजाइटी और बॉडी में। हाँ समझ गई, पर मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर। हाँ हाँ आप ठीक हो जाएंगे, अभी आप जा सकते हैं, मुझे दूसरा पेशेंट को भी देखना है। डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, मैं मरूंगी तो नहीं ना। जी अभी आप जाइए, जो दवाई लिख के दिया है वो खा लीजिए। ठीक है डॉक्टर ठीक है। उफ कैसे कैसे लोग आते हैं, पूरा भेजा खराब कर दिया, जबकि मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ फिर भी मान नहीं रही है। अच्छा मैंने विटामिन का दवाई दे दिया, कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं। ये बात घुसा ले अपने दिमाग में। मैंने अभी उसको चेक किया, वो ठीक है। फिर से चेक करो जाकर। पर बोला ना चेक करने, जा। हाँ हाँ करती हूँ। बता मुझे इसको हुआ क्या था और इसकी ये हालत कैसे हुई? इनका दवाई का ओवरडोज होने के कारण ये हाल है। क्या? पर इसने दवाई कब लिया? तूने दिया क्या इसे दवाई? इस प्रेस्क्रिप्शन में किसी डॉक्टर रिया का नाम है। ये हॉस्पिटल कब गए? ये तो आपको पता होगा। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे। वो सब ठीक है,
तू मुझे डॉक्टर रिया का एड्रेस दे, मैं ही संभालूंगी उसे। और जब तक मैं लौट कर आऊँ तब तक मेरी बहन ठीक होनी चाहिए। जी हाँ। मेरी तरफ तुम मुड़ा है क्यों, हक नहीं तो ये कहे कि यार अब हम ना रहे। मैं डॉक्टर रिया को फोन करके बोल देती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर रिया। हाँ डॉक्टर दुष्टू, क्या काम है आपको मुझसे? कोई काम नहीं, ये विपाशा नाम को पेशेंट को क्या आपने देखा था? अरे हाँ, पर क्यों? वो एक्चुअली ये बेहोश हो गई है और मन में कुछ बड़बड़ कर गई है। प्रेस्क्रिप्शन में देखा तो आपका ही नंबर मिला मुझे। क्या वो बेहोश हो गई? पर मैंने तो उसे सिर्फ विटामिन दिया था। इसको ओवरडोज हो गया है, पूरा विटामिन एक बार में खा लिया। ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ डॉक्टर रिया, पर मुझे ये बात समझ नहीं आया, ये तो पूरी हेल्दी फिट फाइन है, पर आपने उसे विटामिन क्यों दिया? ये कैसे हो सकता है, वो तो मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसे कुछ हुआ है, पर वो जबरदस्ती मुझसे मेडिसिन लिया, फिर मैंने उससे विटामिन दिया, पर अभी वो बेहोश है। वो सब छोड़िए, मैं इसको देखती हूँ, बस आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाइए। उसकी बहन आस्था था पर डेंजर क्रिमिनल है पूरे शहर की, वो वहाँ पहुँचने वाली होगी। क्या वो आस्था थापा की बहन थी? मेरा क्या होगा अब? वो सब बात बाद में कर लेना, अब जगह खाली करिए और निकलिए वहाँ से, मैं आपको खबर देती रहूंगी। हाँ ठीक है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। तेरा यार हूँ मैं। अब मैं क्या कर... चले गए, आज तो मैं मरते मरते बची। विटामिन से कोई बेहोश कैसे होता है? सीधे मुझे तो तू कुछ बोलेगी नहीं।
तुझे तो सिर्फ पहेली बनाना आता है। नेहा नहीं रुकिए दीदी। कौन रहेगा दीदी? तो ठीक है अपना मुझको। हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ये डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं किया, इन्होंने तो मुझे विटामिन की दवाई दी थी। तेरे बिना और वो विटामिन की दवाइयाँ कुछ असर नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा करके खा लिया और ये हाल हो गया मेरा। क्या डॉक्टर ने कैसा दवाई दिया है? मुझे तो पहले जैसा ही फील हो रहा है, इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, पूरा ही पी लेती हूँ, तब शायद असर करे। कहीं रिश्ते पुराने ये कैसा दवाई था? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्यों परेशान है मेरे जाने से? और तू मुझे बताए बिना हॉस्पिटल क्यों गई? दीदी आप कितना गुंडागर्दी करते हो, और हॉस्पिटल में आपको लेके आती तो हॉस्पिटल में तमाशा क्रिएट हो जाता, और वहाँ पे कितना बीमार मरीज है जिनका हालत और खराब हो सकता था। ये तो क्या कह रही है बहन? हाँ दीदी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको मैं कहीं भी लेके जाती हूँ तो लोग डर के भाग जाते हैं, और मुझे सबसे हंस के बात करना अच्छा लगता है। ये गुंडागर्दी करने से नहीं होता है, लेकिन आपको कौन समझाए। पर बिपाशा तू मेरी बहन होकर मुझे ये सब क्यों बोल रही है? जो भी करती हूँ मैं तेरे लिए करती हूँ। यस दीदी अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो इन डॉक्टर्स की गलतियाँ नहीं होती, आपकी गलती होती, क्योंकि आप गुंडागर्दी करते रहते हो। इसकी वजह से आपके कितने सारे दुश्मन आपके आगे पीछे घूमते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर बहन आप अगर मुझे बहन बोलते हो तो आपने मुझसे कभी पूछा कि मुझे कैसी फैमिली चाहिए, मुझे कैसे रहना है, मुझे कहाँ घूमने जाना है? नहीं ना, आप तो अपने लाइफ में बिजी रहते हो और मैं अकेले पड़ जाती हूँ। नहीं बहन आज से मैं तुझे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आज से गुंडागर्दी सब बंद, तेरे साथ ही रहूंगी मैं। तुझे जो चाहिए जहाँ घूमने जाना है सब विशेष पूरी करूंगी मैं, तेरी कसम। हाँ पर दीदी ये सब और वो चाकू ले फेंक दिया। देखा दीदी जब मेरी जान की बात आई तो आपने इन सब की जान लेने की कोशिश की, अब माफी मांगे इन डॉक्टर से और उनके पापा से भी। सॉरी डॉक्टर रिया, डॉक्टर दुष्टु एंड अंकल आपको भी। तू चोर उठा तो कौन हसेगा, तू छोटा। अरे अरे ऐसा मत कीजिए, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अभी आप दोनों बहन खुश रहना। और हाँ थैंक यू मेरी बहन को कोई गलत दवाई नहीं देने के लिए। एंड डॉक्टर दुष्टु आपको भी थैंक यू सो मच मेरी बहन का ट्रीटमेंट अच्छे से करने के लिए। एंड मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया। चलो छोड़ो अब इसी खुशी का मौके पे तुम दोनों हग करो। तेरा यार हूँ मैं। बहन आई एम सॉरी एंड आई लव यू, मेरी जान बसती है तुझ में। आई लव यू द मोस्ट दीदी, और मेरी जान आप में। जाते नहीं कहीं रिश्ते।